हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है भैया दूज, तो आप सभी लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली भी चली गई है तो मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं अच्छे दे नहीं पाया क्योंकि हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट की नहीं थी। बट मैंने आपको जिस दिन क्या था कि धनतेरस था, उस दिन आपको बधाई दे रखी थी। एक बार फिर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। पर हम लोगों ने तो सेलिब्रेट की नहीं क्योंकि हमारी दादी हमको छोड़ के चली गई थी। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग एक साल तक कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करने वाले करके। तो आज पता है क्या है, सभी जगह भैया दूज है और पहाड़ों में आज होती है चिवड़ की कुटाई। तो भी मम्मी और पापा चिवड़ कूट रहे हैं और ताऊ जी और चाचा लोगों ने चिवड़ कूट लिए। तो ये बता कब होता है, भैया दूज के दिन होती है और आज मंदिर में पूजा होती है गांव में सभी जगह। तो हमारे वाले मंदिर पर तो पूजा नहीं होगी बट गाँव में मंदिर में पूजा भी होगी। तो मम्मी और पापा भी चिवड़ कूट रहे हैं। चिवड़े क्या होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको पहाड़ों का मौसम दिखा देते हैं। भाई देख लो, पूरा क्लीन आसमान हो रहा है कुछ इस तरीके से। और सामने अपना घर, तो यहाँ पे बता हम लोगों ने आजकल पूरी दालें डाली हुई है। ये पूरी सफ़ेद वाली उड़द है, ये देख लो भाई, जैसे काली वाली उड़द होती है ना, ये सफ़ेद वाली। और इसको पता कुमावनी हम लोग बोलते हैं। देश मांस, देश माने देसी, मांस माने उड़द ही होती है। और एक होता काले वाले मांस, ये देख लो कुछ इस तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पे पूरी दाल डाली हुई है, यहाँ सामने भी, यहाँ पे जलाई हुई चूल्हे पे आग। तो ये है तांबे का बर्तन, इसको बोलते हैं कुनेला। तो इसमें पापा क्या कर रहे हैं, चूड़े गर्म कर रहे हैं, यानी कि धान है। ये देख लो ये वाले पूरे धान है। ये हमने बताया आज से कितने दिन पहले भिगाए थे, 9 दिन पहले भिगाए हुए थे। अच्छा, 11 दिन पहले, तो कभी 11 दिन कभी 9 दिन पहले भिगाते हैं जैसे पंडित जी बताते हैं। सामने योगी हैं और पापा जी कह रहे हैं यहाँ पे हमने भिगाए हुए इतने सारे। तो इस पे डाला है पापा ने घी और घी में पूरा इसको फ्राई करेंगे जब तक ये पूरे ब्राउन होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको गर्म करते हैं। इसके बाद अगली प्रोसेस क्या आती है, ये देख लो, ये है ओखली और यह मुसल, इसकी सहायता से इसको कूटा जाता है। मम्मी यहाँ पे कूट रही है, ये देख लो, पहली बार तो कूट लिया इतना, ये देख लो पहली बार इतने कूट लिए हैं कुछ इस तरीके से। ये भाई चूड़े हमारे। अच्छा, खाने नहीं है? योगी मना कर रहे हैं खाने से, देखो खाने से मना कर रहे हैं भाई साहब। ये है चूड़े और यहाँ पे अभी मम्मी कूटने में लगी, बढ़िया पूरी ताकत वाला काम है। और मेरे को बिल्कुल नहीं आता है काम क्योंकि इसमें तो बैलेंस बहुत अच्छी होता है। थोड़ा सा अगर इधर उधर लगी ना तो सारे चूड़े जमीन में, ये काम मेरे को नहीं आता है, ये मम्मी को आता है। मम्मी कर रही है अच्छे से, पापा जी वहाँ पे कर रहे हैं। और ठीक है, गुड मॉर्निंग, इधर देख लो, भुखरा दिखाओ, इधर दिखाओ, इनकी दिवाली दिखा रहा हूँ, पटाखे भाई दिखाओ। बता अच्छा, दिवाली हो गई, यहाँ मार रखी लड़के ने ये पूरा पटाखा। भाई साहब क्या बना दिया इसको, बताओ। इसको बोला शैतानी ना करो ना करो, पटाखे फोड़ रहा था यहाँ पे जो लग गया। योगी आपकी दिवाली कैसी रही? अच्छी रही। डिग्गू क्या लेके आए, फूल लेके आ गए? ऐसा इतना बड़ा फूल लेके आ गए डिग्गू, कहाँ से लाए? ऊपर से। अरे योगी तुम भी ला गए? कमल वाला फूल। तो अभी पता क्या होगा, अभी ढेकी और मुसल की पूजा होगी तो इसके लिए पहले से बच्चे फूल तोड़ के लिए आए। ये लोग भाई कितना प्यारा फूल रखा, भाई इतना प्यारा सा, भाई इतना बड़ा सा फूल, छोटा फूल। अभी हम लोग छत में आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और छत में बहुत प्यारी सी धूप लगी हुई है। तो बताया मेरे साथ बिल्ली की बच्ची आ गई, ये देख लो हमारा छोटा सा बच्चा। हेलो बिल्लो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो बाबा, गुड मॉर्निंग बोलो। ये भी धूप सेकेगी। और छत में बताया, ये देख लो यहाँ पे पूरी दाल डाली हुई है और यहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची सूख रही है, यहाँ पे पूरी सोयाबीन है। तो छत में आजकल आपको पता है सारी जगह दालें सूखती मिलेंगी और सोयाबीन आपको मिलेगी क्योंकि आजकल खेत की पूरी फसल तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हमने पूरी सुखाने को डाली हुई है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी डाली हुई है और यहाँ पे भी, सब जगह आपको दिखेगी। और इसके साथ साथ खेतों में भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। और पता है पीछे वाली पहाड़ी पर अपना गाँव है यहाँ पे सामने, और हमारे गांव का नाम है धरसों जो कि उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और गुरुद्वारा श्री रीटा साहब के पास में बसा हुआ बेहद ही खूबसूरत गांव है। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने गांव में, तो हम लोग जा रहे हैं अपने गांव के मंदिर में। और पता है पंकू भैया भी आ गए, आप में से बहुत सारे लोग पंकू भैया को जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो भी आपको दिख जाएंगे, पहचान लोगे। सामने पूरा अपना गांव रहा, काफ़ी टाइम बाद अपने गांव को दिखा रहा हूँ।
तो पंकू भैया, भूपेन दादा और लक्कू भैया आके चले गए। ताऊ जी नमस्कार। भूपेन नमस्कार। मेरा वीडियो तूने भेजा नहीं, औरों का तो भेज रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ये पैर दिखा। पैर कैसा है? पैर तो दिख रहा था जी। पैर कैसा? दर्द कैसा? दर्द कैसा है? पूरा अभी रॉड निकाली कहाँ है? अभी रॉड चढ़ी हुई है ना, दवाइयाँ चल रही है। पैसे नहीं है, कहाँ से निकालो? कैसे ये प्रॉब्लम है? खान पीन खा लियो? ना खा रहे हैं ना? खा रहा ना। अच्छा पंकज भाई, हेलो सर। हेलो सर, कितने टाइम बाद ब्लॉग मार रहे हो आप? बहुत टाइम भाई साहब, हम जाने के बाद फिर वापस आएंगे। पंकज भाई नाना मत्ता चले गए थे, आज गांव वापस आए दिवाली के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया चल रहा है। आज ड्यूटी क्या वापस? ड्यूटी है। और सुनाओ कुछ समझ? बढ़िया। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली जाने के बाद। बुबू नमस्कार। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बुबू। हैप्पी दिवाली। दिवाली जान बाद है, बाद देखी ना तुम। आज तक कैसे? सब बढ़िया, तुम ठीक है? बढ़िया, सब बढ़िया। नमस्कार। ठीक है जी? बढ़िया। चूड़ कुटन जी? बढ़िया। हो चूड़ कुटन लिया? हम कहाँ गए? अच्छा और बहनी की नाम बताए? गीता। एक नाम की है? अच्छा। अरे के बात है, उतना जी हीरो देखी ना वो हीरो तुम कहते हो? हीरो बिल्कुल हो तुम का पिक्चर क्या होगी पंकज? क्या बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप ना? स्पॉन्सरशिप बोलो वो भैया। घंटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मंदिर पहुंच के। शाबाश भाजी। पंकु भैया आपकी बारी। जय हो। तो सामने है मंदिर, हम लोग मंदिर पहुंच गए और यहाँ पे तो भाई पूरे फूल, यहाँ पे भी पूरे फूल हो रहे हैं मंदिर के आस, पूरे फूल हो रहे हैं। और सामने अपना गांव है। तो बता, अपना कैमरा भी आज चार्ज नहीं हो पाया। हुआ पता है क्या? मैंने चार्जिंग पे लगाया था, बटन ऑन करना भूल गया, तो कैमरा चार्ज नहीं था। तो पावर बैंक लेके आ रखा हूँ साथ में। और यहाँ पे देखो पूरे फूल हो रहे हैं मंदिर के आंगन में। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक हो? बढ़िया। और क्या हो रही है? बढ़िया। बढ़िया। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के बाद होगी? दिवाली के बाद सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर, आपको भी, आपके पूरे परिवार को और पूरी YouTube फैमिली को। कई साल बाद YouTube पे आ रहे हो? अरे क्या करें यार, ऐसी मजबूरी है, क्या करें आप? ये कब आए बताएं? जब भारत आजाद हुआ था। हेलो, हैप्पी दिवाली भाई। सेम टू यू भाई। उसमें किसका सहयोग था? काफी टाइम के बाद ब्लॉग मारे हैं। कितने टाइम के बाद याद है? यही को 50-60 बार साल बाद 1947 सर। बड़े मायूस लग रहे हो, क्या हो गया? क्या मायूस लग रहे हैं? मिलने नहीं आए हैं। हाँ यही तो इस दुख है। कैमरे के सामने सच्चाई कौन बताता है? मंदिर की पूजा भी हो गया और हम लोग को प्रसाद भी मिल गया, यानी कि चूड़ी। ये देख लो, ये पता है घी और तेल, घी और दूध में भिगाए हुए हैं। देख लो भाई, सॉलिड हो रहे हैं। पंकज भैया सूट कर रहे हैं और हम खा रहे हैं। पंकज कैसा लग रहा है? पंकज कैसा हो रहा? बहुत बढ़िया हो रहा है। कैसे पता? मजा आ रहा। कैसे पता? योगी को पैसे मिल गए। योगी पैसे मिल गए भाई, हमें दे दिया। क्या बोले? पैसे पैसे खाओ। कभी खाऊंगा यार ना। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पैसे योगी के हाथ में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मंदिर में आगे कुछ और मिलेगा? कितने मिले? क्या करोगे इसका? एक नाम उज्जवल भट्ट। हेलो। हेलो बाबू। हेलो हेलो बाबू। गुड, वेरी गुड। भूपेन जी बढ़िया।
चलें मेरे को साथ में चलते ना। आओ फिर बूबू जी प्रसाद बांट रहे सभी को। बूबू सभी को बांट दिया चलो मजा आ गया मंदिर में सबको प्रसाद दिया आपको भेज रहे हैं ये लोग। हेलो जी धन्यवाद तो बूबू जी ने प्रसाद दे दिया हमको। पंकज भाई चलेगा? अरे वाह पहले से मिला हुआ है मिल गया तुमको भी लेने वाला है क्या? दोबारा का ऑप्शन नहीं है पंकज भाई दोबारा की नज़र में है हम दोबारा देंगे नहीं प्रसाद लेते सीधे घर को बना रहे खाना पीना हो गया चलो नहीं।